बाइक पे बैठ के करते हैं इसका शूट, निकालो। ए हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है फाद जरीवाला, मैं हूँ नसवाड़ी के करीब और रथवा स्टड फार्म पर, कौन सी जगह पे, कवाट में, और रथवा स्टड फार्म के ओनर के साथ हूँ। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय भाई एल राठवा है। विजय भाई राठवा, हाँ। विजय भाई, अपने फार्म का नाम क्या है? स्टड फार्म, राठवा स्टड फार्म, राठवा फार्म है, राठवा फार्म। यहाँ पे सभी है, गाय है, मुर्गियाँ है, बकरी है। मेरा तो जानवर है ना, जानवर नहीं बोलते मैं, मेरा हिसाब से मेरा ये हॉर्स है, फिर ये गाय है, बकरा है, डॉग है। ये कहने का मतलब आप प्राणी रखने का मेरे को शौक है, शौक है, जानवरों से प्रेम है। हाँ, प्रेम है, बहुत प्रेम है। अने मेरी भाषा में बोलता हूँ तो ये घोड़ा पहले से मेरे को ज़्यादा शौक है। अन घोड़ा भी मेरा मेरी साथ ऐसा है कि थोड़ा ये तो जानवर है लेकिन अपन बोल सकते हैं इनका पालन ये घोड़ा करता है। अच्छा, गाय भी मेरे के मेरी पास है, वो चारा खाने के लिए खुली करता हूँ जी। इनका नाम लेके मैं बुलाऊँ तो मेरी पास आ जाती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं रणवीर से। रणवीर जो है आपका सिंधी घोड़ा है। हाँ, सिंधी, और ये फार्म का बोलते हैं सबसे बेस्ट घोड़ा है सिंधी घोड़ा। हाँ, ये बताइए इसकी खासियत क्या है? और खासियत इनकी खासियत ये है, इनकी कहने का मतलब हाइट, बॉडी, मतलब इनकी जात, इनके वो चलने की अदा, अने अपन बोली से समझाते हैं तो समझे, वो समझने की इनकी अदा ये बहुत अच्छी है। ओके, इसलिए मेरे पास 15 घोड़ा है, इनसे ज़्यादा इनका पर मेरा दिल है, प्रेम है, मेरा दिल में ज़्यादा बचा हुआ है। रणवीर जो है, रणवीर है, कितने साल का ये रणवीर हुआ है? अभी 5 साल का हुआ। और अपने पास कितने साल से है? मेरे पास 3.5 साल जैसा हुआ। 3.5 साल से। और आपने कहाँ से लिया था? मैंने लिया था राजस्थान से, लिया था बालोतरा से। बालोतरा से नहीं, ये
कहने का मतलब ये गांव फार्मर के पास से लिया, ओनर से बात से, किसान से बात से लिया था। ठीक है, क्या देखा था आपने और आपको पता था कि ऐसा बनेगा? अच्छा, मेरे को पता है, इसलिए घोड़े में क्या है, इनकी नस्ल देख के थोड़ा एडवांस थोड़ा पता चल जाता है। इनकी कहने का मतलब इनकी वो जात है, इनकी चलाते हैं अपन, तो इनकी रेणी केणी देख के थोड़ा मालूम पड़ जाता है कि एडवांस में इसलिए चलता हूँ कि ये जानवर अपन इनको पाले अन थोड़ा समझा है तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो पहले ही आपको इसकी बॉडी देख के बचपन में पता चल गया था कि ये रहने वाला है शो स्टॉपर घोड़ा हमारे पास। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी? अभी 60 से 61 जितनी इनकी हाइट है। अच्छा, ये बताइए, ये सूरत बड़ोड़ा इलाके में सिंधी घोड़ों का चलन इतना क्यों है, मारवाड़ी का इतना क्यों नहीं है? ना, बड़ोड़ा है, सूरत है, कहने का मतलब हमारा इलाका में नसवाड़ी भी बहुत ज़्यादा घोड़ा है और जैतपुर में भी है, पर हमारे ये है कि क्या है, वो वरकोड़ा में हम जो चलाने वाला घोड़ा है वरकोड़ा में नहीं हम देते, हम रेस में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा चौक है। अच्छा, सिंधी घोड़ा की खासियत ये है कि रवाल वो बचपन से खुद रवाल चलता है और मारवाड़ी और काठी जो बोलते हैं हम सिखाना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा बदमाशी भी कर लेता है। अच्छा, खासियत सिंधी में ये है कि वो कभी वो बदमाशी ना करे, अपना परिवार का कोई भी बच्चा भी बात चले जाए तो बच को कहने का मतलब बचका भरने का लात वो नहीं कर सकते। तो आपको आपका कहना ऐसा है कि मारवाड़ी काठियावाड़ी जो होते हैं वो शायद मार भी दे एक बार, हाँ खतरा भी रहता है, ये ऐसे नहीं है? नहीं, सिंधी में ऐसा नहीं हो सकता ही नहीं। अच्छा, ज्यादा दाम किसका मिलता है, कोई अगर नया बंदा जो होता है जिसका काम ये है कि भाई उनको घोड़े बना के बेचना है तो उनको सिंधी घोड़ों का दाम ज्यादा मिलेगा कि मारवाड़ी घोड़ों का दाम मिलेगा? ना, वो अभी क्या है सर के लोग कितना हाइट भी देखता है, इनका रूप भी देखता है, इसलिए ऐसा मारवाड़ी का ऐसा नहीं, मारवाड़ी का भी दाम अच्छा मिलता है, पर कहने का मतलब वो शो में बहुत अच्छा रहता है। okay. मारवाड़ी अने सिंधी घोड़ा में देखने में कोई नया होगा तो इनको देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। इनका सिंधी मतलब इनका कान हम बोलते हैं बागा, खुला कान से, हाँ, इसलिए को नया ओनर को सिंधी घोड़ा को कम पसंद करे, जो घोड़े में थोड़ा मालूम पड़ता है वो सिंधी घोड़ा ही पास करेगा। हालांकि खूबसूरती जो रहती है वो मारवाड़ी घोड़े की, हाँ मारवाड़ी की रहती है, खूबसूरती में मारवाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन चाल में आपके हिसाब से इसका कोई तोड़ नहीं है? चाल में तो मैं खुद ऐसा बोल सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सिंधी जैसा चाल में रवाल चाल थे इसमें इनकी तुलना में कोई नहीं आवे। अच्छा, पावर किस में ज्यादा रहता है, कोई लंबा चले यानी ज्यादा देर तक के बिना पानी वानी के, वो मारवाड़ी ज्यादा चल लेगा ना? चल लेते हैं, पर जो रवाल में मैं खुद कहता हूँ कि जो रवाल चाल चलाते हैं रेस में जो चलाने का है, तो जो एक बार सिंधी घोड़े पे बैठ गया उसको मारवाड़ी आपके हिसाब से पसंद नहीं? ना, नहीं पसंद करता। अच्छा, यानी कमर वमर जैसे मारवाड़ी वगैरह दूसरे घोड़े पे जब बैठते हैं तो नहीं उछल उछल के ऐसे राइडिंग होती है, इसमें एक सीधा बैठे रहता है? ना, तो कमर का प्रॉब्लम किस में आता है, उसमें आता है कि इसमें आता है? वो तो थोड़ा सिखाना पड़ता है, वो जो छाल बोलते हैं, रवाल बोलते हैं, छोटी रवाल बड़ी रवाल बोलते हैं, इसमें थोड़ा सिखाना, सिंधी में भी पड़ता है, मारवाड़ी में भी पड़ता है, काठी में भी पड़ता है, सिखाना पड़े, पर ज्यादा अच्छा बैठने का मजा आता है मेरे को सिंधी घोड़ा में आता है। अच्छा, ये रणवीर जो है इतना रेस्टलेस है, यानी एक जगह खड़े नहीं रह रहा है, आप देखो ये बस खड़े रह ही नहीं रहा है, क्यों, क्या ऐसा है इसमें? इनमें ऐसा भी है कि घोड़े में सर इनका पानी, हम बोलते हैं पानी, इनका पावर बोलते हैं, इसको खिलाना भी पड़ता है। क्या खिलाते हो आप घोड़ों? मैं कोई मेरे को बोलेगा कि विजय भाई ज्यादा बोल दिया, उड़दी जो आती है हमारी भाषा में, उड़द की दाल, हाँ दाल नहीं, उड़द हमारा एरिया में ही होता है, उड़द, फिर बादाम भी मैं खिलाता हूँ, दूध भी मैं पिलाता हूँ। कैसे, बादाम भिगोगे किसी में चूर के? ना, इस तो? बादाम में मशीन में पीस देते। अच्छा, फिर वो उड़दी को पीस देते, इनके साथ मिला के मैं खिलाता हूँ। बहुत हाई मेंटेनेंस है आपका। और देसी घी में दर साल इनको 30-35 किलो खिलाता हूँ। ओके, वो उधर उधर थोड़ा कम मिलता है, राजस्थान में तो गाय का घी ज़्यादा मिलता है, मैं राजस्थान से दर साल में मंगवाता हूँ।
अच्छा, आपने वैसे इसको, आप रेसिंग के शौकीन हो, क्या वजह है आपने रेस में नहीं उतारे इसको? अभी तो 2 साल से कोरोना के लिए नहीं उतारते, गए भी नहीं, तो लेकिन उतारने वाले हो? हाँ, उतारना पूरा पूरा, कभी अभी भी मेरे को, अभी चुनाव चल रहा है ना, एक भाई का हमारा दोस्त है जी, जैसलमेर का फोन आया था, वो इनका नाम है अपना हजारी सिंह भाई का जी, जी। अरे भैया रेस है तो थोड़ा दिल चल जाता है, पर चुनाव चल रहा इसलिए मैं जा नहीं सकता, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। ठीक है, वैसे कितना स्पीड पे रवाल चाल चल लेता है? बोलने वाला बोलता है सर, बाकी अभी तो वो 40 का वो मोटरसाइकिल पे थोड़ा खुला रास्ता होगा, 40 का, हाँ 40 का आटा ला जाए चलता है, इनका पावर से चलता है, रोप से चलता है। इसकी नस्ल निकाले हो आपने, इसकी ब्रीडिंग कराए हो, क्रॉसिंग कराए हो? ना 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 नहीं कराया। क्या वजह है आपने? ना थोड़ा पुराना, जो दोस्त बोलते हैं घोड़ा कभी कभी बिगड़ जाता है, वो तो मेरा घोड़ा इतना अच्छा है तो कभी कभी क्रॉस कराने में बिगड़ जाता है, ऐसा बात सुन के मेरे को थोड़ा डर लगता है। तो रणवीर की दीपिका नहीं है अभी फार्म? नहीं 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 है अभी ना, अपन बिचारे कराना है, क्रॉसिंग कराना है, तो क्रॉसिंग का फीमेल भी मेरे पास है 5-1 है। कोई बाहर की घोड़ी को क्रॉसिंग कराते? नहीं 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 नहीं, नहीं बाहर की, मेरी खुद की घोड़ी को। अच्छा, मैं खुद की रहनी चाहिए फार्म की, बाहर की नहीं। मैं मेरी घोड़ी को क्रॉसिंग कराना में थोड़ा डर लगता है मेरे को, तो भी साहस करके दो एक घोड़ी को क्रॉसिंग कराने का विचार है मेरा। अच्छा, वैसे आप कितने साल से घोड़ों का शौक कर रहे हो? मैं तो बचपन से मेरा शौक है। और ये फार्म कितने साल से एग्जिस्टेंस में? फार्म होया मेरा ना, जब फार्म पछी मैंने बनाया, 10-11 साल हुआ, 10-11 साल हुआ। बाकी पहले 2 घोड़ा रखता था, 1 घोड़ा रखता था, डॉगे पहले से मैं 107 डॉग रखता हूँ। अभी कितने घोड़े हैं टोटल, कुल मात्रा में कितने हैं? अरे अभी 16 है, 16 घोड़े हैं। हाँ। और उसमें घोड़िया कितनी है? घोड़िया इसमें 4 है, 4 घोड़ी और बाकी सब घोड़े। हाँ, घोड़े घोड़े, बच्चे बच्चे भी हो गए? ना बच्चे मैं कम लेता हूँ, बच्चा ही नहीं लेता। बच्चा देखा मैंने, ये तो मैं तैयार घोड़ी लाया था, सबर घोड़ी ली थी, तो यहीं पे हुआ है। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो ये है रणवीर, रणवीर की हाइट कितनी है वैसे? 61 है इनकी हाइट, 61 की हाइट है, 61 हाइट है। एटीट्यूड मस्त है, बॉडी मस्त है, चाल अच्छी है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। थैंक यू सो मच सर इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।